गुड आफ्टरनून गाइस, सेफ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, सेफ टेबल दिखाई थी उस दिन, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाई वी नीड सेफ, लॉजिक डिस्कस किया था ना। अब आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो गाइस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड स्टैटिक राउटिंग बाय यूजिंग टू वेज, we have already also discussed how to manipulate static routes by changing clear, and we also deal with how load balancing will be performed using static route. Agree? Now guys, topic for the day is VRF. अभी के लिए ये चीज भूल जाओ कि VRF use कहाँ होंगे। For now, we will not discuss where we will be using VRFs. I will be just telling you what are VRFs. VRF is a feature available on router which can be used to divide. Which can be used to divide which can be used to divide forwarding plane decision of router. किसको डिवाइड करेगा, फॉरवर्डिंग प्लेन डिसीजन। चलूं आगे इस बात को समझाने के लिए, देखो लेट्स से दिस इज अ राउटर, राउटर इज हैविंग टू इंटरफेसेस, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क रनिंग ऑन दीज टू इंटरफेसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, व्हाई, बिकॉज बोथ ऑफ दीज नेटवर्क्स विल बी इंस्टॉल्ड इन routing table. That's why router knows that to this interface, interface number 1 A network is connected, to interface number 2 B network is connected, and router can perform routing between A and B network, or you can say router can forward traffic between A and B network. Itni baat clear hai. Now let's say we have a requirement. Requirement kya hai? To this interface also and to this interface also we have to connect the same network. To interface number 1 also to interface number we have to connect the same. We cannot do it. Why? Because on a single interface we can use one network, on another interface we have to use a different network. We have to use a different. Clear bhai? Let's say meri requirement hai ki mere ko router ke dono interfaces pe kya use karna hai, same network. To main by default aisa नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, नेटवर्क ओवरलैप हो जाएगा, देयर विल बी एरर कॉल्ड नेटवर्क ओवरलैप. सो जस्ट टू डू दिस थिंग व्हाट आई विल बी डूइंग, बाय डिफॉल्ट राउटर इज फॉर्मिंग अ टेबल कॉल्ड, क्या फॉर्म करता है राउटर, क्या फॉर्म करता है, ग्लोबल राउटिंग टेबल. Global routing table means kya likha maine, तो राउटर पे ये दोनों इंटरफेस हैं, ये बाय डिफॉल्ट किसके मेंबर हो गए, ग्लोबल राउटिंग टेबल के, किसके मेंबर हो गए, तो इन दोनों की एंट्री भी किसमें इंस्टॉल होगी, किसमें, ग्लोबल राउटिंग टेबल में. बोथ ऑफ एंट्रीज फॉर बोथ ऑफ दीज नेटवर्क्स विल बी इंस्टॉल्ड इन ग्लोबल राउटिंग टेबल. गाइस नाउ आई विल कंपेयर दिस थिंग विद द केस, लुक हियर, ये राउटर है, राउटर के ये दोनों इंटरफेसेस हैं, ये क्या है, स्विच, स्विच के ये दोनों क्या है,
इंटरफेस बाय डिफॉल्ट स्विच के ये दोनों इंटरफेस कम्युनिकेट कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट स्विच के ये दोनों इंटरफेस कम्युनिकेट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? किसके मेंबर हैं सारे? सेम वीलैन के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? एग्री। और बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस कौन से वीलैन के मेंबर होते हैं? वन के। वैसे याद रखो कि बाय डिफॉल्ट राउटर के सारे इंटरफेसेस ग्लोबल राउटिंग टेबल के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? और वो आपस में क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट। कैसे? मैं उन पे जो भी नेटवर्क चलाता हूं वो सारे कहां इंस्टॉल हो जाते हैं? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। कहां इंस्टॉल हो जाते हैं? और वो आपस में क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट। बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स ऑन स्विचेस आर मेंबर ऑफ वीलैन 1। That's why by default all ports of switches can communicate with each other. In the similar way, what I'm trying to say, by default all ports on a router are member of global routing table. It means they can also communicate with each other. क्योंकि उन दोनों के इंटरफेस कहाँ इंस्टॉल होंगी? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। कहाँ इंस्टॉल होंगी? ग्लोबल राउटिंग टेबल। क्लियर? What I was doing here to stop the communication? Or what I was doing here to control the communication? Different VLAN. मैं क्या करता था? पोर्ट को डिफरेंट VLAN का मेंबर बना देता था। एग्री? लेट्स से मैंने इस पोर्ट को मेंबर बना दिया VLAN 10 का और एक पोर्ट को मेंबर बना दिया VLAN 20 का। VLAN 10, VLAN. Now switch will don't allow communication between these two ports. Similarly, what we can do? Here I can configure this interface member of a VRF. This interface member of a VRF stands for virtual routing and forwarding instance. Virtual routing and forwarding instance. अभी दिखाऊंगा virtual routing भी होगी और forwarding भी होगी, दोनों चीजें होंगी। राउटिंग टेबल भी सेपरेट बनेगी और उसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग भी सेपरेट होगी। बोथ थिंग्स विल बी सेपरेटेड, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखो, ऑन अ राउटर देर आर फोर इंटरफेसेस। टू आर मेंबर ऑफ वीआरएफ ए, टू आर मेंबर ऑफ वीआरएफ बी। A can communicate with A, B can communicate with B. क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? Because this time router will be forming और क्या लिखा? Three routing tables. One will be global routing table, but no interface is member of global routing table. So global routing table will be empty. ग्लोबल राउटिंग टेबल विल बी। कंसर्न समझ में आया? स्विच पे वीलन वन तो रहती है ना, तुम कोई पोर्ट वीलन वन में रखो या फिर ना रखो। क्लियर? सिमिलरली ऑन राउटर्स देयर विल बी ग्लोबल राउटिंग टेबल ऑलवेज। वन विल बी वीआरएफ ए राउटिंग टेबल, सेकंड विल बी वीआरएफ बी राउटिंग टेबल। कितने राउटिंग टेबल्स होगी टोटल? एक, दो और ये दोनों नेटवर्क किस में आएंगे? VRF A वाली राउटिंग टेबल में। ये दोनों नेटवर्क किस में आएंगे? VRF B वाली राउटिंग टेबल में। एग्री? एग्री? बात समझ में आई सबको? नाउ इफ आई हैव टू राउटर्स देन हाउ थिंग्स विल वर्क। पहले मैं स्विच का एग्जांपल लूंगा फिर किस पे आऊंगा? राउटर। ध्यान से देखना, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं स्विच को यहां पे। लेट्स से यू हैव स्विच वन एंड यू हैव स्विच वीलैन 10, वीलैन। देर आर टू वेज टू मेक दिस कम्युनिकेशन पॉसिबल। फर्स्ट वे इज कनेक्ट टू स्विचेस विद अ लिंक, कॉन्फिगर इट इन वीलैन। Connect two switches between link and configure it in VLAN. VLAN 10 communication will happen through this link and VLAN 20 communication will happen through this link. Agree? दूसरा तरीका क्या? Configure a trunk link.
A single link will be carrying traffic for VLAN 10 also and सबको क्लियर है? तो या तो मैं ऊपर वाले दो लिंक लगाऊं या नीचे वाला एक लिंक लगाऊं. एग्री? नाउ लेट्स हैव अ राउटर. डन. VRF A, VRF B, VRF A, VRF. Still, this interface is member of global routing table. So, what is the first thing? Done. One more interface. VRF B. बात समझ में आ रही है ना? ये देखो यार, मैं क्या कह रहा हूं, राउटर इस इंटरफेस और इस इंटरफेस की कम्युनिकेशन करवाएगा और इस इंटरफेस और इस इंटरफेस की कम्युनिकेशन कराएगा. बिकॉज राउटर पे कौन से दो इंटरफेस कम्युनिकेट कर सकते हैं? विच आर मेंबर ऑफ सेम वीआरएफ. क्लियर? बात समझ में आ रही है सबको? देव पक्का? चल या दूसरा केस क्या करूं? This link can be configured as trunk. Trunk का मतलब क्या है? कि VRF A का traffic भी carry करे और VRF किसका किसका carry करे? VRF A का भी और VRF. बात समझ में आ रही है? किसका किसका carry करे? अब करेगा कैसे? मैं इस interface को sub interfaces में divide कर दूंगा. किसमें divide कर दूंगा? कितने sub interfaces में? कितने सब इंटरफेसेस में? दो. देखो लॉजिक बताता हूं. इंटरवीलन राउटिंग बड़ी थी, याद है? इंटरवीलन राउटिंग को करने का एक तरीका था राउटर ऑन अ स्टिक. राउटर ऑन अ स्टिक हम क्या करते थे? व्हाट वी वर डूइंग देयर, वी वर डिवाइडिंग आवर फिजिकल इंटरफेस इनटू टू. कैन एनीवन टेल मी द रीजन व्हाई वी आर डिवाइडिंग इनटू इट इनटू टू सब इंटरफेसेस? वीलन टर्न आउट टू बी वीलन और एक इंटरफेस. डिफरेंशिएट इन द डेटा बिटवीन डिफरेंट इंटरफेस. फंडा पता है क्या है? फिजिकल इंटरफेस कितने? अब लॉजिकली थोड़ा डिवाइड होगा. अब मैं कहूँ यार देखो तुम्हें सामने रोड दिख रही है, तुमको दिख रही है, इसको मन में डिवाइड कर लो. तो कहाँ डिवाइड हुई? मन में. फिजिकली तो रोड एक ही है. बात समझ में आई? हम जब भी कहते हैं ना कोई चीज वर्चुअली डिवाइड हो रही है तो सिर्फ डिवाइड कहाँ हो रही होती है? माइंड में. एक्चुअल में थोड़ा डिवाइड हो रही है. एक्चुअल में थोड़ा ना डिवाइड हो रही है. तो कितने इंटरफेस है? एक एक फिजिकल इंटरफेस है. ऑन दैट सिंगल फिजिकल इंटरफेस वी हैव टू कैरी ट्रैफिक फॉर VLAN 10 आल्सो एंड सो हाउ वी विल डिफरेंशिएट द ट्रैफिक. ट्रैफिक को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नाउ लुक हियर, व्हेनेवर VLAN 10 यूजर वांट टू कम्युनिकेट विद VLAN 20 यूजर, VLAN 10 यूजर विल बी सेंडिंग ट्रैफिक टू इट्स गेटवे. Switch will receive the traffic. Switch will forward the same traffic out of its trunk port with a tag of VLAN. Okay? Clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Router ke paas aayega tag lagke VLAN 10 ka. Router ko pata chal jayega kis VLAN ka traffic hai. 10. Router kya karega? 10 ke tag ko remove karega, 20 ke tag ko add karega. 20 ke tag ko add karega. Tabhi to jab switch ke paas traffic jayega, switch ko pata chalega kaun si VLAN se belong karta hai. 20. मैं क्या कह रहा हूं, अगर राउटर टैग को हटा के नया टैग नहीं लगाएगा तो स्विच को कभी नहीं पता चलेगा कि ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है. 20. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप कंसर्न को समझो, राउटर सिर्फ ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग क्या लगा के भेज रहा है? टैग. VLAN 10 का लगाएगा तो ट्रैफिक किसका? VLAN 10 का. 20 का लगाएगा तो ट्रैफिक किसका? 20 का.
वर्टिकल आएगा तो ट्रैफिक किसका? क्योंकि फिजिकल लिंक कितने हैं? एक. फिजिकल लिंक कितने हैं? एक. क्लियर. तो अब मैं यहां क्या करूंगा अपने इस वाले केस में, कितने वीआरएफ हैं? इस इंटरफेस को किसमें डिवाइड कर दूंगा? दो सब इंटरफेस में. एक सब इंटरफेस को वीलैन 10 दे दूंगा, दूसरे सब इंटरफेस को वीलैन 20 दे दूंगा. एक सब इंटरफेस को क्या दे दूंगा? वीलैन 10 और दूसरे सब इंटरफेस को. तो अगर वो वीलैन 10 का टैग लगा के भेजेगा मतलब ट्रैफिक बिलोंग करता है वीआरएफ. इसे अगर 20 का टैग लगा के भेजेगा तो ट्रैफिक बिलोंग करता है वीआरएफ. क्लियर भाई? तो यहाँ पे एक इंटरफेस को सब इंटरफेस में डिवाइड करने का लॉजिक क्या है कि मेरा एक सिंगल इंटरफेस मल्टीपल वीआरएफ के ट्रैफिक को क्या कर सके? कैरी. क्या कर सके? अगर मैं इसको एक सिंगल इंटरफेस रखूंगा तो ये कभी भी मेरी मल्टीपल वीआरएफ के ट्रैफिक को कैरी नहीं कर पाएगा. मैं क्या कह रहा हूं देखो, ध्यान से समझो. मैं इस इंटरफेस लेट से 0/0, 0/0.10 बना लूंगा. इसको बना लिया सब इंटरफेस, इसको किसका मेंबर बना दूंगा? वीआरएफ. 0/0.20 इसको किसका मेंबर बना दूंगा? वीआरएफ. इसको कौन सी वीलन दे दूंगा? इसको कौन सी वीलन दे दूंगा? तो जब भी 10 का टैग लग के जाएगा इस राउटर को रिसीव होगा, राउटर को बदल जाएगा किससे बिलोंग करता है, क्योंकि यहां भी वीआरएफ है, किससे बिलोंग करती होगी? वीलन 10 से. किससे बिलोंग करती होगी? वीलन 10 से. विपिन समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल इंटरफेस से मल्टीपल वीआरएफ के ट्रैफिक को ट्रांसफर करने के लिए या फिर पास करने के लिए उसको किसमें डिवाइड कर रहे हैं? सब इंटरफेसेस में. किससे डिवाइड, किसमें डिवाइड कर रहे हैं? वरना मेरे को हर वीआरएफ का ट्रैफिक पास कराने के लिए एक क्या क्या चाहिए होता? अलग से फिजिकल इंटरफेस. क्या चाहिए होता? अलग से फिजिकल इंटरफेस. क्लियर? समझ में आई ये बात सबको? ठीक है. अब देखो केस क्या आ गया. ठीक है, यहां पे वीआरएफ ए है, यहां पे क्या है? वीआरएफ बी. यहां पे भी वीआरएफ ए है, यहां पे क्या है? वीआरएफ बी. मैं क्या करता हूं, वीआरएफ ए और बी के लिए सेम नेटवर्क यूज कर लेता हूं. ठीक है भाई, सेम यूज कर लिया 1.0 और इस इंटरफेस को किसमें डिवाइड कर लिया? एक को वीलन क्या दे दी, दूसरे को क्या दे दी, इसको किसका मेंबर बना दिया? इसको. क्लियर भाई? सब कुछ दिखाऊंगा अभी कि राउटिंग टेबल भी अलग होगी, सेफ टेबल भी अलग होगी, फॉरवर्डिंग भी अलग होगी. यहां नेटवर्क कौन सा चला लिया? डन. यहां नेटवर्क 12 का और यहां भी 12 का, बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ डिफरेंट VRFs, वी कैन कॉन्फिगर सेम नेटवर्क फॉर देम. क्लियर? अब होगा क्या, देखो ये यूजर ट्रैफिक भेजेगा, सोर्स होगा 1.1, डेस्टिनेशन होगा 2.1. इस राउटर के इस इंटरफेस पर रिसीव होगा. ये इंटरफेस किस VRF का मेंबर है? तो राउटर क्या करेगा, VRF A के लिए राउटिंग टेबल भी अलग बनाएगा. राउटिंग टेबल अलग बनेगी तो सेफ टेबल भी क्या बनेगी? अलग. मतलब फिब भी क्या बनेगा? सेपरेट. फिब भी क्या बनेगा? और बताऊं, आर्प टेबल भी अलग बनेगी. आर्प टेबल अलग बनेगी तो एडजेसेंसी टेबल भी क्या बनेगी? अलग. इसका मतलब अब वीआरएफ ए के लिए राउटिंग टेबल भी अलग है, आर्प टेबल भी अलग है, फिब भी अलग है और एडजेसेंसी भी अलग है. क्लियर? क्लियर सबको? पक्का? तो जो मुझे स्टैटिक राउट डालना है, R1 पे स्टैटिक राउट डालना है ना, एक कौन से नेटवर्क के लिए, किसमें डालना पड़ेगा? वो किसमें डालना पड़ेगा? VRF की राउटिंग टेबल में. किसमें डालना पड़ेगा? VRF की राउटिंग टेबल में. क्लियर भाई? तो बताऊं स्टैटिक राउट कैसे इंस्टॉल कराने हैं VRF राउटिंग टेबल में. सबको कंसर्न क्लियर है यहां पे? ठीक है जी. तो मैं क्या करूंगा, तीन इंटरफेस रखूंगा, एक ग्लोबल में और दो VRF में. ठीक है जी. तो ध्यान से देखना,
डन यहां भी सब इंटरफेस बना लूं छोड़ो चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बालकों को ठीक है जी ये देखो अरे दिख जाएगा यहाँ देखो सब लोग भाई क्यों बात कर रहे हो यार देखो सेम नेटवर्क चला रहा हूं हर जगह कितने VRF रहेंगे दो VRF और एक क्या रहेगी
ये कस्टमर 3 एक मिनट यार तो आपको डायग्राम नहीं दिख रहा अब दिख रहा है देखो भाई अब ठीक है ना लिखो फिर फटाफट बना लिया भाई दोनों साइड ही बंद कर नेटवर्क सेम नेटवर्क चल रहा है ऐसा मान लो ये प्रोवाइडर का नेटवर्क है ये कौन है और सारी कस्टमर के पास सेम नेटवर्क्स है सारे कस्टमर्स के पास क्या है सेम नेटवर्क्स अब एक बात बताओ यहां पे एक ही नेटवर्क्स किसके लिए चल रहे हैं प्रोवाइडर के लिए कस्टमर के लिए प्रोवाइडर के लिए किसके लिए भाई इसी बंदे के लिए तीनों के पास सेम लाइन है ना इनके पास तो क्या अपना अलग अलग नेटवर्क क्या ठीक है जी तो कस्टमर पे कभी भी आप वीआरएफ क्रिएट नहीं करते किस पे क्रिएट करते हो प्रोवाइडर पे मैं क्या कह रहा हूं प्रोवाइडर पे मल्टीपल ऐसे कस्टमर कनेक्टेड हो सकते हैं ना जो क्या यूज कर रहे हो सेम नेटवर्क क्या यूज कर रहे हो सेम नेटवर्क क्लियर भाई तो हमेशा जो वीआरएफ बनता है वो किसके राउटर पे बनता है प्रोवाइडर के कभी भी कस्टमर के राउटर पे नहीं बनता इस केस में हम किस राउटर पे बनाएंगे आर वन पे आपको इन राउटर्स पे वीआरएफ कॉन्फिगर करने की कोई जरूरत नहीं है देखो अब इधर तो कस्टमर के राउटर को मैं नॉर्मली कॉन्फिगर कर रहा हूं सब लोग देखेंगे इधर भाई फिर नहीं आएगा समझ में इधर देख लो ठीक है डन सबको दिख रहा और कस्टमर के राउटर पे क्या दे देता हूं डिफॉल्ट रूट क्या दे देता हूं एक कहां तक जाने के लिए प्रोवाइडर तक कहां तक जाने के लिए बात समझ में आ रही है सबको सबको देखो मैं कस्टमर को क्या बोलूंगा तेरे को अपना ट्रैफिक किसको भेजना है वो प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना प्रोवाइडर कस्टमर वन के हेड ऑफिस की कम्युनिकेशन कस्टमर वन के ब्रांच ऑफिस से कैसे करवाएगा क्लियर भाई मेरे को क्या चाहिए कस्टमर वन का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आपस में क्या कर पाए कस्टमर टू का हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आपस में क्या कर पाए और जो कस्टमर थ्री है
जो किसमें रहेगा ग्लोबल राउटिंग टेबल में, वो भी आपस में क्या कर पाए ठीक है भाई। तो कस्टमर वन पे क्या डिफाइन कर दूंगा एक। नेक्स्ट स्टॉप डन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस पे आ गया ये कस्टमर टू की अपनी लाइन हो गई, सॉरी डन। डिफॉल्ट रूट वहीं से उठा लो और क्या कर दो, कर दिया। डन। आईपी एड्रेस सेम सेम, ठीक है। तो तीनों कस्टमर को उतार दिया, प्रोवाइडर के पास जाना है। अब आर वन पे आ जाओ, अब ध्यान से देखना, जो सेम कॉन्फ़िगरेशन आर वन पे होगी वही किस पे होगी, आर टू पे। तो आर वन की कॉन्फ़िगरेशन को समझो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, वीआरएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आईपी वीआरएफ। किस नाम से बनाया? एक्सेस। दूसरा बना लिया दो वीआरएफ, अब मेरे को अपने इंटरफेस FA1/0 को किसमें डालना है, VRF A में, और FA1/1 को, और इसको किसमें रखना है, ग्लोबल में। इसको किसमें रखना है, तो करो अब काम ये। इंटरफेस FA1/0, सबसे पहले इंटरफेस को नो शट किया, कर दिया। आईपी VRF फॉरवर्डिंग A, किस VRF का मेंबर बनाया। बंदे ने क्वेश्चन पूछा, सर VRF का मेंबर बनाने से पहले क्या मैं आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकता? देखो, तुमने इंटरफेस पे आईपी असाइन कर दी, इंटरफेस पे आईपी असाइन करते ही राउटर उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को ग्लोबल राउटिंग टेबल में डाल देगा। लेकिन मुझे तो उसे किसमें लगाना है, वीआरएफ राउटिंग टेबल में, किसमें इंस्टॉल करवाना है। बात समझ में आई? तभी पहले इंटरफेस को किसका मेंबर बनाना है, वीआरएफ का, फिर उस पे क्या असाइन करनी है, आईपी। अब आपके सामने आईपी दी, डन। 1.1 देनी है ना, एग्जिट। इंटरफेस FA1/1 सबसे पहले क्या किया, किस VRF का मेंबर बनाया, आईपी एड्रेस, डन। फिर तीसरे कौन से इंटरफेस पे आया, नो शट ऑल डायरेक्टली क्या दे दी, आईपी, क्योंकि इसको किसमें डालना है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। किसमें डालना है इस टाइम, R1 पे कितने VRFs हैं, VRF A और FA1/0 किसका मेंबर है, A का, और 1/1 किसका मेंबर है, B का, और तीसरा इंटरफेस अपने आप किसमें चला गया। देखो शो आईपी राउट 1.0/24 आ रहा है, और कौन से इंटरफेस के साथ आ रहा है, यहां देखना 2/0 किसमें है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में। क्या ग्लोबल राउटिंग टेबल में FA1/0 और FA1/1 वाला नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, नहीं आ रहा ना, शो आई पी राउट VRF A, कौन सा आ रहा है, क्लियर, कौन सा आ रहा है, 1/, देखो 1/0 पे VRF A चल रहा है, और 1/1 पे VRF, तो अलग अलग राउटिंग टेबल बना रहा ना राउटर, क्लियर। अब क्या काम करना है, इस इंटरफेस को किसमें डिवाइड करना है, सब इंटरफेसेस में, किसमें डिवाइड करना है, सब इंटरफेसेस। करूं डिवाइड, सबसे पहले क्या किया, अब देखना काम कैसे करूंगा। इंटरफेस FA0/0. VLAN 10, कौन सी VLAN दे रही इसको, IP address, done, समझ में आया। इंटरफेस बनाया, उसको किसका मेंबर बनाया, VLAN कौन सी बताई, और IP क्या दे दी,
ये एंट्री अब किसमें चली गई होगी? एक ही राउटिंग टेबल में, किसमें? आ गई ना, कौन सी एंट्री आ गई? FS0/0. बात समझ में आई सबको? डॉट फिर सेम आईपी डन। सॉरी, देख रही है तीनों इंटरफेसेस पे सेम आईपी है और यहां भी तीनों इंटरफेसेस पे सेम आईपी। ऐसा केस जब भी देखिए मतलब राउटर पे क्या क्रिएटेड है? वीआरएफ। क्या क्रिएटेड है? देखो अब डू शो आईपी वीआरएफ दिख रहा है ना, FA1/0 और FA0/0.10 किसके मेंबर हैं दोनों? FA1/1 FA0/0.20 किसके मेंबर हैं? बी के। बात समझ में आई सबको? और .30 और .2/0 किसके मेंबर होंगे? ग्लोबल राउटिंग टेबल के चेक करो, 0/0.30 और FA2/0। समझ में आई भाई सबको बात? सबको? अब मैं क्या बोल रहा था, राउटर सेफ टेबल भी अलग अलग बना रहा होगा, राउटर राउटिंग टेबल भी अलग बनाएगा और फिर आर्क टेबल भी और फिर एडजेसेंसी टेबल भी। क्लियर? सब दिखाऊंगा, पहले उस साइड को कॉन्फिगर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टॉप डन। डन। R2 की बारी आ गई, IP VRF डन। हरिशोर समझ में आ गया सबको? मैनेजर नहीं देखोगे तो ऊपर से ही बात जाएगी। सबसे पहले फिजिकल इंटरफेस को क्या किया, फिर क्या बनाया उसके? IP VRF फॉरवर्डिंग एनकैप्सुलेशन .1Q VLAN 10 IP address 12.0.0 डन। .30 एनकैप्सुलेशन .1Q VLAN डन भाई, शो IP VRF दिख रहा है आपको? और तीसरा इंटरफेस किसमें होगा? ग्लोबल राउटिंग टेबल में। क्लियर भाई? ठीक है भाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है,
अगर मैं वी आर एफ ए की बात करूं, किसकी बात करूं, शो आई पी राउट वी आर एफ ए, तो आर वन को 12 के नेटवर्क के बारे में पता और 172 वाला नेटवर्क के बारे में पता है, लेकिन किसके नेटवर्क के बारे में नहीं पता, 10.1.2.0 के बारे में, किसके बारे में पता था उसे, 10.1.1.0 के बारे में भी नहीं है, यस और नो, यस और नो, तो इसे इस नेटवर्क के बारे में भी बताना पड़ेगा, और कैसे बताएंगे, आर वन पे स्टैटिक रूट डाल रहा हूं अब, आईपी स्पेस रूट, अब इसके बाद डिफाइन करोगे वीआरएफ कि ये रूट आपको किस वीआरएफ राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना है, कौन से वीआरएफ की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना है, ए की, कौन से में, ए में, 10.1.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप 1.2, समझ में आ रहा है, आईपी स्पेस रूट वीआरएफ ए दोबारा 10.1.2. नेक्स्ट हॉप 12.2, नेक्स्ट हॉप भाई 12.2 कौन है, R2, 12.2 कौन है, क्लियर भाई, यही तो करेंगे, इसके बाद जाने के लिए इसकी नेक्स्ट हॉप और इसके बाद जाने के लिए इसकी नेक्स्ट हॉप, सेम स्टैटिक रूट R2 पे भी डिफाइन करने पड़ेंगे, सिर्फ कौन से VRF की बात कर रहा हूं अभी, A की, डन, 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 यार यहां सारी जगह IP 1.2 थी और R1 पे IP 1.1 थी, R2 पे भी IP 1.1 थी और यहां सारी जगह IP 1.2, कैसे लोग हो यार तुम, क्या आईपी, आईपी क्या हर जगह 1.1 डाल दिए भाई स्टैटिक रूट, तो वीआरएफ ए कम्युनिकेट होना चाहिए भाई, देखो R1 को इस नेटवर्क के बारे में भी बताया और R2 को इस नेटवर्क के बारे में भी बताया और, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, और इन दोनों राउटर्स पे क्या पड़े हुए हैं, एक एक डिफॉल्ट रूट, क्या पड़े हुए हैं डिफॉल्ट, ठीक है, ठीक है, ये लो पिंग करना यहां से, पिंग 10.1.2.1 सोर्स लूपबैक 1 रिपीट, फर्स्ट बार 1 पिंग कर पा रहा है, अब ये कैसे तय होगा कि भाई यही वाला राउटर रिप्लाई कर रहा है, कर रहा रिप्लाई, कर रहा है, जा रहा है ट्रैफिक, जा रहा है ट्रैफिक, रिक्वेस्ट जा रही है 10.1.1 से 10.1.2.1 पे, वीलन आईडी देखना क्या लिख के जा रही है, 10 क्या लिख के जा रही है, यही तो हमने किसको दी थी, वीआरएफ ए को, किसको दी थी, ए को, याद नहीं है, अब देखो ध्यान से देखना इधर,
इस कस्टमर ने ट्रैफिक भेजा 10.1.1 से 2.1 के लिए, इस पर एक डिफॉल्ट रूट था, ट्रैफिक किसके पास आया? R1 के इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ। R1 का ये इंटरफेस किस VRF का मेंबर है? तो राउटर ने क्या किया होगा, VRF A के लिए अलग से क्या बना के रखी होगी, देख लेना तुम, सेफ टिप क्या बना के रखी होगी, दिखाऊं? शो आईपी, शो आईपी से VRF, पता है ना इसको 10.1.2.0 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है और एग्जिट इंटरफेस क्या है। चलो ऐसे देखो, शो आईपी सेफ VRF, VRF A 10.1.2.0, नेक्स्ट हॉप क्या है, एग्जिट इंटरफेस क्या है, कहीं आर टेबल में 12.2 रिजॉल्व है, कहीं मैक एड्रेस प्रेजेंट है 12.2 का आर टेबल में, कहा था ना आर टेबल भी क्या हो जाएगी डिवाइड। शो आईपीआर VRF 12.2 का मैक एड्रेस रिजॉल्व है, यस और नो? यस और नो? सबको समझ में आ रही है बात? मैक एड्रेस पड़ा हुआ है सामने वाले का और अपना भी, सामने वाले का भी और, भाई बताया था ना इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको? यार यार फिर घसड़ो वाली बात, एक ही लिंक है तो लोड बैलेंसिंग कैसे हो जाएगी भाई, अलग अलग VRF के लिए है वो, एक VRF के लिए कितने रास्ते हैं, एक तो लोड बैलेंसिंग कैसे होगी, जब एक ही रास्ता है तो कैसी लोड बैलेंसिंग, जब रास्ते कितने हैं, एक, फिर बता रहा हूं सिंगल लिंक है, सिंगल लिंक पे मल्टीपल VRF के ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पहले VLAN का यूज किया, ठीक है जी, कि राउटर कैसे समझेगा कि अलग अलग VRF का ट्रैफिक है, विद द हेल्प ऑफ VLAN, विद द हेल्प ऑफ VLAN। तो देखो इधर समझो, राउटर के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आया, राउटर ने कौन सी सेफ टेबल चेक करी, VRF A की, पता चला उसको नेक्स्ट स्टॉप है 12.2, तो फिर क्या चेक करी, एडजेसेंसी टेबल, कौन से VRF के लिए, VRF A के लिए, कौन सी नेक्स्ट स्टॉप के लिए, 12.2 के लिए, पता चला उसे 12.2 का मैक एड्रेस क्या है, ये देखो ये है, ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट किया और साथ ही साथ कौन से VLAN का टैग ऐड किया, VLAN 10 का, कौन सी VLAN का 10 का टैग ऐड करके डेटा के साथ इसको फॉरवर्ड कर दिया, जैसे इसको 10 का टैग मिला, इसको पता चला कि ट्रैफिक किससे बिलोंग करता है, VRF से, किससे बिलोंग करता है, इसने फिर कौन से VRF की राउटिंग टेबल चेक करी, VRF एक, देखो R2 पे आ जाओ, VRF A की राउटिंग टेबल चेक हुई 10.1.2.0 पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, देखना सेफ टेबल भी अलग बन रही है, देखो एग्जिट इंटरफेस क्या आ रहा है, FA1/0। दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये दिख रहा तुम्हें, ये कौन सा इंटरफेस है, ठीक है जी, दिख रहा है, ये मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, वरना ऐसे देख लो, पड़ा हुआ है ना 172.168.1.2 का मैक, क्लियर भाई? तो देखो राउटिंग भी डिवाइड हो चुकी है और फॉरवर्डिंग भी क्या हो चुकी है, डिवाइड, सेफ टेबल भी अलग बन रही है और राउटिंग टेबल भी अलग बन रही है।
सेम काम VRF B के लिए करते हैं, IP space route 10.1.1.0, सॉरी VRF B 10.1. नेक्स्ट ऑफ IP space route VRF B 10.1.2.0 IP space डन भाई। अब देखो VRF A में है दो स्टैटिक राउट, VRF B में भी है दो स्टैटिक राउट, दिख रहे हैं? VRF A में है दो स्टैटिक राउट, VRF B में भी है दो स्टैटिक राउट, दिख रहे हैं? पिंग करना हो रहा है? देखो दोनों कस्टमर का ट्रैफिक जा रहा है, पहले तो यहां दिखाता हूं, दोनों पे अलग अलग ट्रैफिक आ रहा है। ये रिप्लाई कर रहा है, दिख रहा है? यहां भी आ रहा है, ये रिप्लाई कर रहा है, कर रहा रिप्लाई। अब देखो ट्रैफिक को कैप्चर करता हूं, देखो ठीक है, दोनों ट्रैफिक सेम होंगे, सोर्स के 10.1.1.1, डेस्टिनेशन के 10.1. लेकिन दोनों ट्रैफिक अलग अलग कस्टमर के हैं, दोनों ट्रैफिक अलग अलग कस्टमर के तो हैं, एक कस्टमर वन का है, किसका? देखो सोर्स मैक भी सेम होगा, डेस्टिनेशन मैक भी सेम होगा, सोर्स आईपी भी सेम होगी, डेस्टिनेशन आईपी भी क्या होगी? सेम। या वीलन क्या है? 10। मतलब किसका ट्रैफिक है? कस्टमर वन का या फिर वीआरएफ ए का। दूसरे में आईडी क्या है? 20। मतलब किसका ट्रैफिक है? कस्टमर बी का या फिर वीआरएफ पी का। क्लियर भाई? वीलन 20 का, ठीक है जी। तो एक सिंगल लिंक पे डिफरेंट वीआरएफ के ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वीलेंस का। किसका यूज कर रहे हैं? वीलेंस का। क्लियर भाई? अभी भी अगर आपको दिखाऊं ना, तो अभी ग्लोबल राउटिंग टेबल के कस्टमर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कोई राउट प्रेजेंट, R2 पे आ जाओ, कोई स्टैटिक राउट प्रेजेंट, इंस्टॉल कराओ फिर, ये तो आप सबको आते हैं नॉर्मली, पता है सबको। डन। हाँ जी, सॉरी है स्टैटिक राउट ग्लोबल राउटिंग टेबल में, है स्टैटिक राउट ग्लोबल राउटिंग टेबल में,
तो जब तीसरा यूजर कम्युनिकेट करेगा, देखो तीनों का ट्रैफिक जा रहा है, अब तीनों का रिसीव भी हो रहा, चेक करें आ रहा है, इसके बाद ये रिप्लाई दे रहा है, ये भी दे रहा है, दे रहा है ग्लोबल वाला, देखो ये भी रिप्लाई दे रहा होगा, दे रहा है, दिख रही है रिक्वेस्ट 10.1.1.1। टैग किसका है, मतलब कौन से VRF से बिलोंग करता है, वी, ये भी 20 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, 10 का हो गया, 30 का भी दिख जा भाई, एक था 30 पे रिप्लाई तो आ रहा है ना, थर्टी क्लियर भाई, समझ में आया इतना? तो VRF राउटिंग टेबल में रूट कैसे डालते हैं, सबको समझ में आया? हाँ जी क्लियर है। तो VRF बना देने से क्या हुआ, राउटर का राउटिंग डिसीजन भी और दोनों ही क्या हो गए डिवाइड, दोनों ही क्या हो गए डिवाइड। क्लियर भाई? तो स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, समझ में आया? R1 पे आ जाओ, हाँ जी क्या डिफाइन कर सकते हैं हम इन राउट्स के साथ, एडी हम इन राउट्स को क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको पहले ही बता दी हैं। अब VRF राउटिंग टेबल में भी अगर दो रूट हैं तो लोड बैलेंसिंग किस पे डिपेंड करेगी, सेफ पे, कि सेफ पर पैकेट कर रहा है या फिर पर डेस्टिनेशन कर रहा है, ठीक है जी। अब किसी के माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि इंटर VRF कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो रखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ही रखो, मैं तो नहीं बता रहा। बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे कभी भी दो VRF कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे कभी भी दो VRF कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दोबारा बताओ, बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे कभी भी दो VRF कम्युनिकेट, या फिर मैं VRF का कम्युनिकेशन अभी तो ग्लोबल राउटिंग टेबल से भी नहीं करवा सकता, अभी तो मैं VRF का कम्युनिकेशन है ग्लोबल राउटिंग टेबल से नहीं करवा सकता, ठीक है जी। अभी के लिए सबको ये बात क्लियर है,
डबल कीवर्ड ठीक है जी। तो यहीं पे हमारी ग्लोबल सॉरी VRF राउटिंग क्या होती है खत्म। तो VRF के साथ भी आप ट्रैक कमांड का यूज कर सकते हो और डिस्टेंस को भी मैनिपुलेट, समराइजेशन का भी यूज कर सकते हो। यार पहले क्या था, मैं राउट को सीधा ग्लोबल राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कराता था, अब क्या है मैं राउट को सीधा VRF राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करा रहा हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। और VRF और ये क्यों बनाया है इसका रीजन आपको मैंने बताई दी। ये बेसिकली हम MPLS L3 VPN के सिनेरियो में यूज करते हैं VRF का। रिक्वायरमेंट क्या है जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, अगर सारे कस्टमर सेम ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो प्रोवाइडर आइडेंटिफाई कैसे करेगा भाई इस कस्टमर का नेटवर्क कौन सा और इस कस्टमर का नेटवर्क कौन सा है। तो हर कस्टमर को क्या दे देता है, एक अलग VRF। ये आपको बात ज्यादा तब समझ में आएगी जब हम MPLS L3 VPN के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़ूम कर दिया। ये ना कुछ ये कीवर्ड दे रखा है, दिख रहा है आपको परमानेंट राउट, क्या मतलब है इसका? अगर एग्जिट इंटरफेस प्रेजेंट नहीं होगा स्टैटिक राउट के लिए तो भी वो राउटिंग के बंद। इनकी बात समझ में आई सबको? नहीं कोई नहीं। मैंने एक राउटिंग टेबल में ना राउट रहने की कंडीशन बताई थी, क्या थी वो आप बताओ? मैंने बताया था कंडीशन होगी कि स्टैटिक राउट कब तक राउटिंग टेबल में रहेगा, जब तक नेक्स्ट हॉप से एसोसिएटेड जो एग्जिट इंटरफेस है वो किस में रहेगा राउटिंग टेबल में, तब तक आपका स्टैटिक राउट भी किस में रहेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट है जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि अगर मैं परमानेंट कीवर्ड का यूज करूंगा तो आपका नेक्स्ट हॉप से एसोसिएटेड इंटरफेस राउटिंग टेबल में रहे या स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में रहे। ऐसा क्यों करना है? सारा कंसर्न ये है ना कि परमानेंट कीवर्ड का यूज करना। तो देखो मैं बता देता हूं, परमानेंट कीवर्ड इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, अगर आप पढ़ के आओगे तो हम डिस्कस करेंगे। वर्जन 4 में था, वर्जन 4 तक हम यूज करते थे, आज के टाइम में हम यूज नहीं करते। वर्जन 4 में ट्रैकिंग नहीं होती थी भाई, ट्रैकिंग नहीं पढ़ते थे, ट्रैकिंग हमने अभी से पढ़नी शुरू की। ठीक है, तो ट्रैक कीवर्ड भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, एक कंडीशन ही डिफाइन कर रही है कि स्टैटिक राउट कब तक राउटिंग टेबल में रहेगा और कब, और ये स्टैटिक राउट को राउटिंग टेबल में अनकंडीशनली रखवाएगा, रखवाएगा ना कि एग्जिट इंटरफेस रीचेबल हो या फिर। तो प्लीज ट्राई टू रीड अबाउट द यूज ऑफ परमानेंट कीवर्ड। यहाँ पे एक कीवर्ड जो मैंने छोड़ दिया, कीवर्ड कौन सा है? मल्टीकास्ट नहीं पढ़ेंगे, कीवर्ड कौन सा है? ग्लोबल। ग्लोबल क्या है? देखो जब मैं आपको MPLS L3 VPN पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? L3 VPN, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक कस्टमर को MPLS सर्विस देने के साथ साथ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ अभी आपके सिर्फ कान में बात डालने के लिए कि जब भी मैं MPLS L3 VPN पढ़ाऊं आप मुझे याद करा दो सर इस ग्लोबल कीवर्ड का यूज बताना है, क्योंकि वहां पे मैं इसका यूज अभी, यहां पे मैं इसका यूज अभी नहीं बता सकता, पॉसिबल नहीं। ग्लोबल कीवर्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको नेक्स्ट हॉप के लिए VRF टेबल में लुकअप नहीं करना है, किस में लुकअप करना है? ग्लोबल राउटिंग टेबल। इसकी जरूरत कब पड़ेगी ये वही समझाओ, तो प्लीज मुझे रिमाइंड करा देना कि मैंने यहां पे इस ग्लोबल कीवर्ड को छोड़ दिया। क्लियर भाई? ग्लोबल कीवर्ड को छोड़ दिया। ठीक है भाई, तो परमानेंट कीवर्ड का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और ग्लोबल कीवर्ड के बारे में कहा है कि कब बताऊंगा MPLS L3 VPN। चले भाई आगे, तो इसी के साथ आपका VRF क्या होता है खत्म। शायद ये बात मैंने डायरेक्टली नहीं बोली कि ऐसे ही एंड टू एंड VRF यूज करने को क्या बोलते हैं, VRF लाइट। क्या बोलते हैं? VRF लाइट। ऐसे ही एंड टू एंड VRF यूज किया ना मैंने, R1 पे भी VRF थे, R2 पे भी VRF थे, R3 कनेक्ट करता उस पे भी क्या बना देता VRF। तो ऐसे ही एंड टू एंड VRF के यूज को क्या बोलते हैं? VRF लाइट।
चलो जी।